अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग शॉर्ट आंसर्स। 5 शॉर्ट आंसर्स हैं हमारे पास, उनको हम चैप्टर नंबर 5 के ये कवर करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाई इज म्यूसिस 1 कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। म्यूसिस 1 को रिडक्शन यानी कम करना वाली डिवीजन क्यों कहते हैं। अब म्यूसिस 1 बेसिकली म्यूसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है म्यूसिस 1 और दूसरा होता है म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। म्यूसिस 1 जो स्टेप एनाफेज 1 होता है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n डिप्लॉइड से कन्वर्ट होके n हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे आधे ईच पोल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं इसलिए म्यूसिस 1 को रिडक्शन फेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज माइटोसिस नेसेसरी फॉर ग्रोथ। माइटोसिस ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है, यानी बड़े होने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस क्यों होना जरूरी है। माइटोसिस असल में हमारे बॉडी के तमाम बॉडी के सेल्स में मौजूद होता है, यानी हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स, उनकी जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस पे डिपेंड कर रही होती है। लाइक लेट्स सपोज हमें जख्म, जब हमें चोट लगती है तो उसमें जो खून बहता है तो उसमें हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमें लूज कर लेते हैं, तो उसको वापस उस नॉर्मल रेंज में लेके आने के लिए हमारे बॉडी जो है वो माइटोसिस को प्रोसेस करता है, ताकि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल रेंज में वापस आ जाए। यानी इसके अलावा हमारे जो कद होता है, हाइट, वो भी माइटोसिस पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारे हेयर की जो ग्रोथ होती है, बालों की ग्रोथ या नाखून की ग्रोथ जो होती है वो भी हमारे माइटोसिस के थ्रू वो ग्रो कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे ग्रोथ होती है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो आपकी या फिजिकल ग्रोथ हो, उन सब के अंदर आपके माइटोसिस की सेल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से आपको माइटोसिस जो है आपके बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। अब हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो तब्दील होते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर हमेशा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे नॉर्मल इंसान के अंदर, दैट विल बी 46। अब जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो नस्ल दर नस्ल हमारे पास 46 आ रहे हैं, यानी हमारे बिल्कुल शुरुआती जो जेनरेशन है वहाँ पे भी उनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, और अभी तक हमारे पास जो क्रोमोसोम्स इंसानों के अंदर वो 46 ही है। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस तरह से हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मेंटेन कर रखा है वो म्यूसिस के से रखा है, क्योंकि म्यूसिस के अंदर आपने अभी पढ़ा कि एनाफेज के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है। यानी कि लेट्स सपोज इंसान की बात कर लेते हैं, इंसान के पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब उनकी बॉडी के अंदर एनाफेज 1 का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वो 46 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाते हैं। तो उसी वजह से क्या होता है कि जब वो आगे जाके अपने नस्ल को अपने वो क्रोमोसोम्स दे रहे होते हैं तो 26 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से और 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से मिल रहे होते हैं, तो अगेन हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो मियोसिस की वजह से बेसिकली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तमाम जानदार के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, यानी हर इंसान के अंदर 46 मिलेंगे आपको, हर बिल्ली के अंदर आपको 38 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, हर बकरे के अंदर आपको 60 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द इंटरफेस कॉल्ड द फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इंटरफेस को हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी का फेज क्यों कहा जाता है, यानी क्यों ऐसा कहा जाता है कि इंटरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इंटरफेस के अंदर जो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, जो न्यू सेल्स होते हैं उनको ग्रो होकर मैच्योर बनना होता है ताकि उनके अंदर भी सेल डिविजन का प्रोसेस शुरू हो सके। तो यानी कि एक तो सेल को खुद को ग्रो करना होता है, सेकेंडली सेल डिवीजन के लिए उनको जो जितने भी एंजाइम्स की जरूरत होती है या बायोकेमिकल्स की जरूरत होती है उनको वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस प्रोडक्शन के लिए एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है। थर्ड, डीएनए तैयार करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी अगेन इंटरफेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इंटरफेस के अंदर जितने भी सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं सबके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इसी वजह से इस फेज को हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का फेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, Why is the interface between meiosis 1 and meiosis 2 short? Meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में जो इंटरफेज आता है, रेस्टिंग फेज आता है, वो छोटा क्यों होता है? इंटरफेस में के अंदर पहले आपको बता दिया गया कि इंटरफेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ग्रोथ हो रही होती है,
तो क्योंकि मियोसिस वन के पहले जो इंटरफेस का फेज होता है उसके अंदर ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होता है, और सेकेंडली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए की डुप्लीकेट्स जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, तो इसीलिए जो मियोसिस और मियोसिस टू के बीच में जो रेस्टिंग फेज आता है इंटरफेस का वो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मियोसिस वन के ही फेज में जो इंटरफेज आता है उसी में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं, तो दोबारा से तैयारियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से मियोसिस वन और मियोसिस टू का जो टाइम होता है उसके बीच में जो इंटरफेज का टाइम होता है बहुत छोटा होता है। और इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।